नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक है, स्वस्थ है। तो बड़े दिनों के बाद जो है मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ आप सभी के लिए। तो CUET PG एस्पिरेंट्स के लिए जो है एक बहुत बड़ी अपडेट है। उससे पहले मैं आप सभी लोगों को अपने बारे में बता देता हूँ कि मेरा जो है दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जो है संस्कृत डिपार्टमेंट में PhD में जो है चयन हो चुका है। इस वजह से जो है मैं इतने दिनों तक जो है वीडियो नहीं दे पाया इस YouTube चैनल पे, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा और आगे से जो है आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आप सभी CUET PG एक्सपीरियंस के लिए जो है एक महत्वपूर्ण सूचना है, और मुझे लगता है कि अधिकतर लोगों को जो है ये मालूम हो चुका होगा कि आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। तो 26 तारीख से जो है आप लोगों का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। आप जल्दी से जाके जो है रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। और रही बात जो JNU है, तो पहले में क्या हुआ था कि JNU इंक्लूड नहीं था, अभी जो है JNU को भी इंक्लूड कर दिया गया, वो टेक्निकल एरर था। तो अभी आप अगर रजिस्ट्रेशन करेंगे अभी तो आपको JNU भी जो है यूनिवर्सिटीज़ में ऐड हुआ मिलता रहेगा, ठीक है। और आपका जो ये रजिस्ट्रेशन है ये 24 जनवरी तक जो है चलता रहेगा। तो 24 तारीख आपका लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आप रजिस्ट्रेशन ज़रूर से कर दीजिएगा। और आपका जो लास्ट डेट ऑफ ट्रांजेक्शन है वो 25 तारीख है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपका जो एग्जामिनेशन है, आपकी जो परीक्षाएं होंगी 11 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी, 28 मार्च तक जो है आपकी एग्जामिनेशन चलेंगे। तो अगर आप संस्कृत से CUET PG MA के लिए JNU BHU DO इत्यादि AU ठीक है इत्यादि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मेरे YouTube चैनल पे एक प्लेलिस्ट है CUET PG प्रिपरेशन करके। तो आप उस प्लेलिस्ट में जितने सारे वीडियोस हैं, ठीक है, उन वीडियोस को देखते हुए अपनी जो है अपनी जो प्रिपरेशन है उसको आप गति दे सकते हैं। और अगर आपको मेरे से कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके, वहाँ पे सारी अपडेट्स आपको पहले मिलती रहेंगी, या फिर आप इंस्टा या फिर फेसबुक से भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में दिक्कत आ रहा है, रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत आ रहा है, तो आप मेरे को कमेंट के माध्यम से बताना, तो आगे मैं फॉर्म फिलअप कैसे करना है इससे रिलेटेड भी आपको वीडियोस में दे दूंगा, ठीक है। और आपको अगर कुछ CUET PG या फिर CUET से संबंधित कुछ प्रश्न है तो मेरे को आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। तो इतना ही था आप लोगों के लिए आज की इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी जो है इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं या फिर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो आज की इस वीडियो में इतने मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।